खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। कहावत तो सुना होगा आप सभी ने। सचु तामिया जनपद परिषद के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक शाला गुजावानी का मामला कुछ और ही है। इस प्राथमिक शाला में बच्चे खेल खेल में अच्छी खासी पढ़ाई करते देखा जा सकता है। आज के दौर की किताबें पढ़ाई से बच्चों को भी किताब की पढ़ाई समझने व सीखने में वक्त लगने लगा, किंतु इस स्कूल के प्रचार अरविंद सोनी ने बच्चों को ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित कराने के लिए एक उपाय खोज निकाला, जिसमें हिंदी, गणित, साइंस को खेलते खेलते और मनोरंजन के साथ सीखा व पढ़ा जा सकता है। यह असंभव नजारा प्रात स्कूल गुसावानी के मासूम बच्चों में देखने को आया। एक्सरसाइज होती है, इससे कमर का व्यायाम होता है और इससे हम स्वस्थ रहते हैं। फायदा हो रहा है क्योंकि हमको पढ़ रहे हैं खेल खेल में। कौन सी क्लास में पूछती हैं? गुसावानी। क्या खेल रही थी? क्या कर रही थी आप लोग? सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। इससे क्या फायदा होता है? सर जी, इससे हमें पढ़ाई का लाभ मिलता है, गिनती सीख भी सकते हैं हम। इससे हमें मन भी लगता है पढ़ाई करने पे। और क्या सीखते हैं आप इससे? काम करते जाना चाहिए। अच्छा, आप दीवार से स्टोरी बता रहे थे लोगों को अभी, ये कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा था सर, क्योंकि वहाँ पर जो चित्र थे ना, उसको देख देख के हमने बताए सबको, कही ऐसे कछुआ खरगोश को बीच में छोड़ के। आप पढ़ने की अपेक्षा चित्र में देख के कहानी अच्छा याद कर लेते कि किताब से याद कर लेते, कैसा करते? सर जी, हम देख के समझ जाते तो हमको सब याद आ जाता है। ये कितना लिखा है? 11। ये कितना लिखा है? 111। अब ये कितना लिखा है? इसी मामले में हमारे द्वारा स्कूल प्रचार से चर्चा करने पर जानकारी दी कि यह आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई में कोई रुझान नहीं थी। फिर हमने खेल के साथ मनोरंजन व पढ़ाई के लिए यह रास्ता निकाला, जहां बच्चे आज प्रतिदिन स्कूल आने के साथ पढ़ाई करने की रुचि भी देखने को मिल रही है। आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहा हूं, यहां पे आदिवासी बच्चे जो हैं, जो बेचारे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाते हैं और उनको वो सारी सुविधा नहीं मिल पाती है, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं प्राइवेट स्कूल में जो चीज़ है वो मैं अपने सरकारी स्कूल में क्यों मैं इनको उपलब्ध कराऊँ। और मैंने उस हिसाब से तो बच्चों के लेवल को देखते हुए वहाँ पे एक कमरा तैयार किया और उनमें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया और बच्चे बहुत अच्छा इसमें सीख रहे हैं। वॉल पेंटिंग से आपने जिस तरह आसान तरीका निकाला बच्चों को शिक्षा देने का, ये कहाँ से आपको आया? क्या क्या चीज़ अभी आप फिलहाल आपने बनाया जिससे बच्चे वो उस सब्जेक्ट की जानकारी मिल रही है? सर, इसके पहले मैं मास्टर ट्रेनर रहा हूँ, तो जब मास्टर ट्रेनर के लिए मैं स्कूल में बच्चों को और जन शिक्षा केंद्र में शिक्षकों को जब पढ़ाता था, तो मुझे ये दिमाग में आया कि हम जब पुस्तक से देख के पढ़ाते हैं तो बच्चा उतना जल्दी से उसको कवर नहीं कर पाता, लेकिन चित्र को देख के, वीडियो को देख के और कैसेट, ऑडियो कैसेट को सुन के बहुत जल्दी बच्चा सीखता है। तो इस हिसाब से